आज का जो हमारा प्रश्न है वो है आठवीं क्लास का प्रश्न नंबर 4। दी हुई ए बी रेखा के समान आधार पर षष्ठभुज सेट स्क्वायर्स द्वारा बना। तो जैसे प्रश्न में कहा है कि सेट स्क्वायर द्वारा हमने षष्ठभुज बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए सेट स्क्वायर। मैं आपको बता देता हूँ, दो सेट स्क्वायर हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। थोड़ा इसके विषय में आपको बता देता हूँ, इस सेट स्क्वायर का भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो सेट स्क्वायर है वो हम आज इस प्रश्न में आज यूज करेंगे हम। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हमें पहले कोणों का पता होना चाहिए। तो ये जो सेट स्क्वायर है इसका जो ये कोण है, ये है 60 डिग्री का। ये जो कोण है ये है आपका 30 डिग्री का। ये जो कोण है ये है हमारा 90 डिग्री का। तो 60 और 30 ये हुआ आपका 90, 90 हुआ 180 डिग्री। तो इस सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हुए आज हम सेट स्क्वायर वाला जो प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है 8 क्लास का आपका, वो हम बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है ए बी रेखा। तो ए बी रेखा हमारे पास दी हुई है, ए बी रेखा लेंगे, ये ए बी रेखा ले ली है, ये आपकी ए और बी। अब हमें पता होना चाहिए कि जो षट्भुज है उसका प्रत्येक कोण, आंतरिक कोण और बाह्य कोण वो कितने कितने डिग्री के होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, षट्भुज का जो आंतरिक कोण, ये वाला जो कोण होता है वो होता है 120 डिग्री का, और जो बाहरी कोण होता है, इससे अगर आप डॉटेड लाइन यहाँ से आगे लगाते हैं तो यहाँ से जो बाह्य कोण होता है, जैसे मैं इस रेखा को बढ़ा देता हूँ डॉटेड बाहर को, सेट स्क्वायर रखने के लिए मुझे ये बढ़ानी होगी, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ऐसे ही मैंने बढ़ा दी है, इधर को भी मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ बाहर को। बाहर से जो कोण बनेगा, जो यहाँ लाइन लगेगी, बाहर से जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका 60 डिग्री का, जो अंदर वाला होगा होगा 120 डिग्री का। इसी तरह से ये एंगल बनेगा। हम क्या करेंगे, जो ये हमारा सेट स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था ये कोण 60 डिग्री का होता है, तो हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल इस जो आपकी डॉटेड लाइन है उसके साथ हम ऐसे इसको रखेंगे। ए पॉइंट पर मैंने यहाँ रख दिया है इसको ऐसे, और हम यहाँ से लाइन लगा देंगे, ऐसे हम यहाँ से लाइन लगा देंगे। नीचे इसका जो कोना होता है वो तीखा नहीं होता है, इसलिए मैंने लाइन पूरी नहीं लगाई है। तो मैं इसको लाइन को इसके साथ मिला देता हूँ, बढ़ा देता हूँ उसको आप ऐसे, और यहाँ से भी हम इधर को हम सेट्स के रखेंगे इस तरह से 60 डिग्री के कोण के लिए ऐसे, और हम यहाँ से भी है जो है ये है हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इस लाइन के साथ ऐसे, ये देखिए ऐसे मैं इस लाइन को लगा दूंगा, और अब मैं इसको फुट्टे के साथ भी आगे को बढ़ा सकता हूँ, ऐसे बढ़ा सकता हूँ, और आपको दिखाता हूँ इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, ये हमारी ए बी रेखा है, तो मैं इतना इस रेखा को काट दूंगा, यहाँ भी इसको मैं इतना ऐसे मैं इसको काट दूंगा, और इसको मैं इतना आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, जहाँ ये मेरा नहीं बड़ा है, कम बड़ा है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे, ये देखिए ये जो मेरे पास पॉइंट आए हैं, ये पॉइंट है सी, और जो इधर पॉइंट आया है ये पॉइंट आया है एफ। अब मुझे क्या करना है, आगे भी जब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है तो जो आगे कोण बनेंगे वो भी 60 डिग्री के ही बनेंगे। तो मैं इसको मिला देता हूँ डॉटेड, यस। अब मुझे क्या करना है, इन सेट स्क्वायर को, पहले हमने इधर को रखा था, यहाँ से मैंने इसको इधर को रखा था,
अब मैं इसको उल्टा रखूँगा, उल्टा मतलब इधर को रखूँगा, ऐसे ऐसे को रखूँगा इस साइड स्क्वायर को, और मैं यहाँ से लाइन लगा दूँगा ऐसे, ऐसे, और यहाँ पे मैं इसको जो है वो इधर को रखूँगा, उल्टा ऐसे को, ऐसे को पॉइंट रखूँगा। ये देखिए इस जो ये मेरी समझी भाजन, ये जो डॉटेड लाइन है उस लाइन के साथ मैंने इसको लगा दिया ऐसे, और मैं इसको ऐसे मिला दूँगा ऐसे। अब क्या करना है मुझे, जितनी मेरी ए बी रेखा है, ये मेरी ए बी रेखा है, इतनी प्रकार खोल के ये एफ पर मैंने प्रकार रखा और यहाँ काट दिया, और सी पर प्रकार रखा और यहाँ काट दिया। अब मेरा ये देखिए बिल्कुल इक्वल है, तो मैं इसको यहाँ पे भी मिला दूंगा, इसको मैं डार्क मिला दूंगा, ये देखिए इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ये है डी, और इसका नाम मैं देता हूँ ई, और मैं इसको, मेरा फालतू लाइन है इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से सेट स्क्वायर द्वारा आप षटभुज को बना सकते हैं, जिस विधि से मैंने आपको बताया। सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को, और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।